इस्तीफा प्रलयन मांग करने वाले पार्टी आईपीएफटी के एमएलए ब्रिजकेतु देववर्मा ने अपना एमएलए पद त्याग दिया। उन्होंने कहा कि आईपीएफटी तिप्रालैन के मांग को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने पद त्याग किया। तिलियमुरा सांबारी हादुकामी के निवासी ध्रुवा साधन जमातिया का घर सामान्य तूफान और बारिश से ही टूट गया। उन्हें फिर से घर दिलाने के लिए पहुंचे तिप्रामौथा के स्थानीय कार्यकर्ता और ईएम चित्तरंजन देव वर्मा। उनके साथ उपस्थित थे रामकचा कथांग देव वर्मा और गुरुपद देव वर्मा। मनु सब डिविजनल जोन में सब जोन चेयरमैन और मेंबर्स के स्वागत में और गांव के उन्नति के मुद्दे पर एक आलोचना समिति का आयोजन किया गया। उपस्थित थे धलाई जोन के चेयरमैन परितोष देव वर्मा। 30 जून 2021 को टीपीएफ के 7वें संस्थापना दिवस पर टीपीएफ सदर डिवीजन द्वारा नियंत्रित हाथाईकोतर और बिनानकपरा प्राइमरी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। हाथाईकोतर प्राइमरी के ओर से उपस्थित थे जीएस रंजीत देव वर्मा, पब्लिक सेक्रेटरी संजय देव वर्मा, एफएस सुखराम देव वर्मा, सीडब्ल्यूसी बहादुर देव वर्मा, यूथ अजीत देव वर्मा और टीपीएफ के संस्थापक पातल कृष्णा जमातिया। कौरमतीसा काउंसिल भवन पर लोगों के कल्याण हेतु एक आलोचना बैठक आयोजित की गई। उपस्थित थे ईएम राजेश देव वर्मा, धलाई जोन चेयरमैन परितोष देव वर्मा, मनु सब जोन चेयरमैन रतीश त्रिपुरा, केंद्रीय वाईटीएफ के कार्यकर्ता सुखेंदु देव वर्मा, किसान देव वर्मा और कई अन्य तिप्रामौथा के कार्यकर्ता। कैलाश शहर के मनु कस्टम लैंड इलाके में अधूरे कंटीले तार के निर्माण पर बांग्लादेश के बीजीबी ने लंबे समय से आपत्ति जताई थी। इस प्रकार लंबे समय से मनु कस्टम लैंड डंपिंग लैंड के कुछ हिस्सों का कारोबार व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। कोई पार्किंग जोन नहीं है। इस जमीन का काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ बांग्लादेश ने कांटेदार तार के निर्माण के काम को बाधित कर दिया। जिलाधिकारी उत्तम चकमा ने बीएसएफ कमांडेंट के साथ संयुक्त दौरे में मनु कस्टम लैंड क्षेत्र का दौरा किया। कोरोना स्थिति के चलते संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए बुधवार को डिप्यूटी कलेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सदर अनुमंडल शासक की ओर से अगरतला शहर के शॉपिंग मॉल को बंद करने का अभियान चलाया गया। अगरतला शहर में 4 शॉपिंग मॉल बुधवार को बंद कर दिए गए और उन्हें सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अपने सभी दस्तावेजों के साथ सदर अनुमंडल कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया गया। डिप्यूटी कलेक्टर मजिस्ट्रेट ने बुधवार को शॉपिंग मॉल संचालन की जानकारी मीडिया को दी। कदमतला प्रखंड के फूलबारी ग्राम पंचायत की सत्ताधारी पार्टी की मुखिया हजीरा बेगम के पति मानिक उद्दीन 40 वर्षीय 4 बच्चों के मां के साथ पिछले 1 साल से जबरदस्ती से शारीरिक शोषण कर रहे हैं और अक्सर जान से मारने की और उसकी परिवार को हानि पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरनेट की दुनिया में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ तो महिला ने अपने परिवार को सारी घटना की जानकारी दी और चुराईबारी थाने में मामला दर्ज कराया। पता चला है कि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर प्रताड़ित महिला ने कहा कि अगर पुलिस ने मामला उठाने से इनकार किया तो वे जिला अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन राजनीतिक बल को हाथ में लेकर सत्तारूढ़ दल के मुखिया के गुनीपति द्वारा किए गए घिनौना हरकत के कारण वहाँ के लोग उनके प्रति घिन जता रहे हैं।